हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिव नाम का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इज इक्वल टू डी प्रेस करता हूँ फिर आई प्रेस करता हूँ तो यहाँ डिव नाम का फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा या डिवीजन से कोई भी फॉर्मूला दिखेगा नहीं। देखिए नहीं है ना, तो अगर हम खुद का फॉर्मूला बनाए, अच्छा डिवीजन कराना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा, आप मान लीजिए 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो अपॉन का निशान लगाइए और डिवाइड कर दीजिए या अपॉन का साइन लगा करके आप डिवाइड करते हैं। अगर आप फॉर्मूला खुद का बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा विजुअल बेसिक कोड लिखना पड़ेगा। डेवलपर टैब को एक्टिव रखिए, क्लिक कीजिए यहाँ पर और चलिए चलते हैं विजुअल बेसिक पर। यहां पर क्लिक कर देते हैं तो ये विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम एक मॉड्यूल लेंगे, न्यू मॉड्यूल। कैसे लेते हैं मॉड्यूल, मैंने आपको पहले ही बता रखा है और ये काम करेगा इसी वर्कबुक पर, ठीक है। तो अभी करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और यहां से मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। तो ये न्यू मॉड्यूल आ चुका है, आप इसका नाम भी यहां से चेंज कर सकते हैं यहां से, ठीक है। मैं अपने नाम से रख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं SURAJE सूरज, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए दिखा दिया कि यहाँ पर देखिए मैंने अपना नाम लिख दिया, आप फॉर्मूले का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आने के बाद आपको करना क्या है, यहां पर आपको लिखना है फंक्शन। क्या लिखना है, फंक्शन। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए फंक्शन, ठीक है। और अब हमको यहां पर उस फंक्शन का नाम लिखना है जो हम बना रहे हैं, तो हम डिव नाम से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिख दिया डिव और फिर यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहां पर दूंगा मैं ए, ठीक है, ए लिख दिया। ए एक वेरिएबल है एज, और फिर यहां लिखेंगे, अब देखिए अगर डिवाइड करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं इंटीजर, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें होता क्या है, कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद फिर दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, तो दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं बी नाम से, ठीक है। तो यहां लिखता हूं बी एज इंटीजर, आई एन टी यहां पर करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से, और फिर यहां पर एज इंटीजर भी दे देंगे, ये इस तरीके से लिख दिया एज इंटीजर, ठीक है। आई एन टी प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो गया। तो ये इस तरीके से कर लिया हमने, फिर एंटर करके नीचे आइए। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर किस नाम से फंक्शन बनाया, डिव नाम से, तो यहां खाली आपको लिखना है डिव, ठीक है, लिख दिया। और डिव लिखने के बाद इज इक्वल टू का निशान लगाता हूं और यहां पर करता हूं ए अपॉन बी, इतना कर दिया हमने। अब देखिए ये दो नंबर्स का डिवीजन करेगा, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ भी है, प्रॉब्लम ये है कि हमने ले रखा है इंटीजर, तो होगा क्या, तो चलिए आपको दिखाता हूं। अब ये डिव शो करेगा फॉर्मूला, ठीक है, तो इज इक्वल टू डी आई वी, ठीक है। तो अब देखिए नीचे डिव आ रहा है, तो ये डिव ले लिया हमने। अब डिवाइड करना है, ठीक है, 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो बिल्कुल सही, ये आंसर हमारा आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आ गया। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं डिव फॉर्मूले की मदद से, देखिए डिव लगा दिया और 10 को डिवाइड करना चाहते हैं 5 से, तो 10 लिखा कॉमा 5 दिया, तो ये भी डिवाइड करके इजिली हमें दे देगा, ठीक है, आंसर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होगी ना जब हम डिवाइड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे डिव फॉर्मूला लगाया हमने और यहाँ पे अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 को 2 से, तो देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर आपने इंटीजर ले रखा है तो इस वजह से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, यहां पर हमें लेना है डबल। क्या लेना है, डबल। तो चलते हैं विजुअल बेसिक वाली विंडो पर और यहां पर जो हमने इंटीजर दिया हुआ है यहां पे कर लेते हैं डबल, ओके। तो यहां पे हमें डबल लिखना है, नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं लिखना, डबल लिखिए। तो यहां पे डबल जैसे ही कर देंगे आप, देखिए डी ओ यू बी एल ई लिखा मैंने, और इसको भी इंटीजर जहां जहां है उसको डबल बना लीजिए, बस इतना ही काम है। तो डी ओ यू बी एल ई, ठीक है, ये कर दिया हमने। और फिर यहां पर भी करेंगे इसी तरीके से डी ओ यू बी एल ई, ठीक है, तो डबल कर दिया हमने। और अब क्या करना है, अब चलते हैं वापस से उसी विंडो पर, ठीक है। अब यहां पर हम आते हैं, अब हम डिवाइड करते हैं 5 को 2 से, 5 को 2 से डिवाइड करना है डिव फॉर्मूले की मदद से, तो ये डिव लगाया और अब यहां लिखता हूं 5, 2, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये देख रहे हैं 2.5 आंसर आ रहा है, कारण क्या है कि हमने डबल लगा दिया। कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल 67 को अगर डिवाइड करना है 2 से तो ये भी डिवाइड करके दे देगा। देखिए यहां पे इज इक्वल टू डिव लगाया, ठीक है, पहले सेलेक्ट किया 67 को, कॉमा दिया, फिर यहां 2 को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि 2 से ही तो डिवाइड करना है, तो अब एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए 33.5 आ गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करेगा। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।